अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पूरे देश में क्या मैसेज कन्वे कर रही है? वो ये मैसेज कन्वे कर रही है कि कोई भी एक आम आदमी अगर वो जीत भी जाए और वो लड़ भी ले, ठीक, तो वो सरकारी तंत्र के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सरकारें बहुत ज्यादा मजबूत हैं। आप सरकार का कुछ नहीं उखाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पहली बात तो अरविंद केजरीवाल आम आदमी नहीं है। रही बात आम आदमी की, तो मोदी जी को देखो, जिन्होंने 12 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था, ठीक है, देश की सेवा करने के लिए, वो होते आम आदमी। 10 लाख का सूट पहना था ना जब मोदी जी ने, तब वो आम आदमी थे। लाखों का चश्मा पहनने के बाद कोई व्यक्ति आम आदमी हो जाता है, लाखों का पेन लगाने के बाद कोई व्यक्ति आम आदमी हो जाता है। आम आदमी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक काम नहीं किया उस व्यक्ति ने, लेकिन आम आदमी है। मतलब इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, तो बीजेपी ज्वाइन करते ही ईडी की ऐसी की तैसी, ईडी कुछ नहीं कर सकती, सीबीआई कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अगर तुमने भाजपा ज्वाइन नहीं करी है, तुम बीजेपी के खिलाफ बोलो, तुम बहुत बड़े भ्रष्टाचारी साबित कर दिए जाओगे। अरे मान लिया अरविंद केजरीवाल जेल में भ्रष्टाचारी गलत किया, अरे हेमंत बिश्व शर्मा को जेल में क्यों नहीं डाल पाए तुम? ठीक, हाँ, अभी जिस तरह से देखा जा रहा है इंडिया गठबंधन में सारी सरकारें टूटती हुई नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल जेल में चले गए, उधर हेमंत विश्व उसमें झारखंड के सीएम जो हैं उन पर भी ईडी का छापा पड़ा, क्या देख रहे, किस तरह से देखते हैं आप? ये तो पहले ही बता चुके हैं कि देश में इमरजेंसी चल रही है, बस ये इमरजेंसी अघोषित है, ठीक है, ये इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बिल्कुल हरकतें एक तानाशाह वाली हैं। भाई एक बात बताओ कि किसी एक मामले में छुटकारा मिलता है, दूसरे मामले में ईडी गिरफ्तार कर लेती है, तो ये बात ये नहीं कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए, देखो जांचें होना आम बात है, लेकिन ये मुद्दा दबाने वाली बात है। बात चर्चा चल रही थी इलेक्टोरल बॉन्ड पर, और वो न्यूज़ अचानक से दबा दी गई है, ठीक, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आड़ में। अब अरविंद केजरीवाल का गिरफ्तार होना कौन सी बड़ी बात है? मुझे वक्तव्य याद आता है अन्ना हजारे का, कि अन्ना हजारे ने कहा था, जब उनसे कहा गया था कि तुम इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हो जन लोकपाल बिल के लिए, तो राजनीति क्यों नहीं कर लेते, राजनीति में आओ, चुनाव लड़ो, बनाओ कानून। तब अन्ना हजारे ने एक बात कही थी कि राजनीति एक कीचड़ है, ठीक है, और कीचड़ में कूदना हमें नहीं आता। तब उस पर जब अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी बनाई, तब उन्होंने इसका एक रिस्पॉन्ड किया था कि कीचड़ साफ करने के लिए किसी ना किसी को कीचड़ में कूदना पड़ेगा। तो स्वाभाविक है कि अगर आप करप्शन को मिटाने के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हो, तो आप पर भी करप्शन के चार्जेस आएंगे। राजनीति है, ठीक है, ये पॉलिटिक्स है, तो अब पॉलिटिकली सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पूरे देश में क्या मैसेज कन्वे कर रही है? वो ये मैसेज कन्वे कर रही है कि कोई भी एक आम आदमी अगर वो जीत भी जाए और वो लड़ भी ले, ठीक, तो वो सरकारी तंत्र के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सरकारें बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। आप सरकार का कुछ नहीं उखाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, क्या बोले? मैं दो बात कहना चाहूँगा। पहली बार मैं ये बोलूँगा कि अभी इन्होंने बोला कि उन्होंने कीचड़ में घुसे और पॉलिटिक्स में घुसे और करप्शन करे। अरविंद केजरीवाल के पुराने टेलीकास्ट देखो, क्या कहते थे कि कांग्रेस के राहुल गांधी इज़ द मोस्ट करप्टेड पर्सन। मेरी लाइफ में मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कि मैं कभी भी कांग्रेस के राहुल गांधी के साथ हाथ में हाथ नहीं मिलाऊंगा। आज वही अरविंद केजरीवाल है जो राहुल गांधी का सबसे बड़ा चमचा है। दूसरी बात, अभी इन्होंने क्या बोला कि जो बंदा ग्राउंड लेवल, मतलब कि जो बहुत आम आदमी है, पहले बात तो अरविंद केजरीवाल आम आदमी नहीं है, वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव से पहले एक ऑफिसर भी रहे हैं, ठीक है, तो आम आदमी नहीं है। रही बात आम आदमी की, तो मोदी जी को देखो, जिन्होंने 12 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था, ठीक है, देश की सेवा करने के लिए, वो होते हैं आम आदमी। वो कोई पॉलिटिकल, उनके कोई वो नहीं खानदान में लोग पहले कि पॉलिटिकल पावर थी, क्या उनके घर में कोई नेता था तो इस चक्कर में वो पॉलिटिक्स में घुसे? सर, वो होते ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले। कल को आप भी इस देश के लिए, समाज के लिए, अगर आप घर से बाहर आओगे, आप रोड पर आओगे और आप देश की सेवा करोगे, तो भी वो आपके लिए अच्छा होगा। मोदी जी आम आदमी, 12 साल की एज में घर छोड़ दिया था उन्होंने। 10 लाख का सूट पहना था ना जब मोदी जी ने, तब वो आम आदमी थे। लाखों का चश्मा पहनने के बाद कोई व्यक्ति आम आदमी हो जाता है, लाखों का पेन लगाने के बाद कोई व्यक्ति आम आदमी हो जाता है। आम आदमी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक काम नहीं किया उस व्यक्ति ने, लेकिन आम आदमी है। बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ है। अभी देखिए क्या लिखा है, पोस्टर लगे हुए दिल्ली में कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हर एक कदम, ठीक है, और हर एक भ्रष्टाचारी जेल में होगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ होते ना तो हेमंत विश्व शर्मा, ठीक है, वो जो क्या नाम है, हेमंत सर, ठीक है, हेमंत शर्मा ना, ठीक, हेमंता शर्मा, ठीक है, वो कैसे हैं भैया अभी तक पार्टी के अंदर? करप्शन के ज़्यादा बड़े चार्जेस हैं किस व्यक्ति के ऊपर? अरविंद केजरीवाल ज़्यादा बड़ा करप्ट आदमी है या हेमंत विश्व शर्मा ज़्यादा बड़ा करप्ट आदमी है? और दूसरी बात, छगन भुजबल ज़्यादा बड़ा करप्ट आदमी है कि अरविंद केजरीवाल? मतलब इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं,
तो बीजेपी ज्वाइन करते ही ईडी की ऐसी की तैसी, ईडी कुछ नहीं कर सकती, सीबीआई कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अगर तुमने भाजपा ज्वाइन नहीं करी है, तुम बीजेपी के खिलाफ बोलो, तुम बहुत बड़े भ्रष्टाचारी साबित कर दिए जाओगे। अरे मान लिया अरविंद केजरीवाल जेल में, भ्रष्टाचारी गलत किया, अरे हेमंत विश्व शर्मा को जेल में क्यों नहीं डाल पाए तुम? ठीक, ईडी की कार्रवाई क्यों नहीं जा रही उस तक, और छगन भुजबल पे क्यों नहीं जा रही? क्या बोलेंगे अभी इन्होंने क्या बोला कि 10 लाख का सूट पहनते मोदी? इनसे ये पूछो, केजरीवाल ने जो 60 करोड़ रुपए अपना आलीशान बंगला बनाने में लगा दिया, तो क्या वो आम आदमी नहीं था? नहीं, तो क्या मतलब वो गलत है? नहीं। और दूसरी बात सुनो, इन्होंने ये ऑडिटिंग करी है मोदी जी की, इन्होंने ऑडिटिंग करी है मोदी जी की, 10 लाख का सूट है, कहीं से इनके पास कोई बिल रिकॉर्ड है? अरे भाई, इतना आम आदमी देश की सेवा करने के लिए, आज देश के बच्चे से लेकर देश के एक एक इंसान उनको देवता की तरह पूछता है, तुम उनपे कह रहे हो सूट पहनते हो, और तुम केजरीवाल को देख रहे हैं जिसने 60 करोड़ रुपए उस अपने आलिशान बंगले में बनाने में लगा दिए। सर सुनो, चाहे ईडी हो गई, चाहे सीबीआई हो गई, ये जितनी भी संगठन है ना, ये किसी के दबाव में काम नहीं करती। हेमंत विश्व शर्मा पे बोला उन्होंने, मेरी पूरी बात, हेमंत किसी के दबाव में काम नहीं करती। कल को अगर बीजेपी सरकार में क्या मोदी भी कुछ गलत काम करेंगे ना, तो उनके साथ भी ऐसी होगा जैसे आज केजरीवाल के साथ हुआ है। क्या बोलेंगे? ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने 60 करोड़ का पर्दा लगा लिया, ठीक है, मोदी जी के यहाँ तो 10 रुपए का पर्दा है, ठीक है, मोदी जी 7 RCR में नहीं रहते, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, मोदी जी की सिक्योरिटी पे खर्चा नहीं होता, 35 गाड़ियों का काफिला नहीं है, ठीक है। अरे तो वो भी प्रदेश का मुख्यमंत्री है, वो प्रधानमंत्री, तो ये भी तो मुख्यमंत्री है, ठीक, प्रधानमंत्री की बात करें, वो क्या लुल्लू पंजू है, वो भी मुख्यमंत्री है, अगर लगा लिया तो क्या हुआ? और मुख्यमंत्री आवास पे लगाया, कौसाम्बी वाले घर पर तो नहीं लगाया आपने, ठीक है। और गाड़ियों का काफिला मोदी जी का, 35-35 गाड़ियों का काफिला, लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा, हजारों करोड़ के एयरजेट, ठीक है, गौतम अडानी के साथ दुनिया भर के फोटो, ये किसके हैं भाई? ये किस आम आदमी के हैं वो तुम बात कर रहे हो? मोदी जी के करप्शन की बात, अगर मोदी जी ने पीएम केयर फंड लिया देश से, आज तक उसका कुछ भी रिकॉर्ड नहीं, क्या रुपए लिया, उसका क्या खर्चा किया, आरटीआई डालने के बाद पता नहीं, कौन है करप्टेड आदमी? अरविंद केजरीवाल के ऊपर तो कोई करप्शन का चार्जेस भी नहीं था, ये तो जबरदस्ती तुमने, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक, एक बार सेंट्रल में आ जाए, ठीक, एक बार सेंट्रल में आ जाए, पता चल जाएगा क्या होता है मैटर, ठीक। बात कर रहे हो आम आदमी, उस व्यक्ति की गलती क्या है? उस व्यक्ति ने देश को असल मुद्दे पे चुनाव वोट देना सिखाया कि तुम बिजली के मुद्दे पे वोट दो, तुम पानी के मुद्दे पे वोट दो, तुम स्कूल के मुद्दे पे वोट दो, तुम हॉस्पिटल के मुद्दे पे वोट दो। लेकिन मोदी जी चाहते नहीं कि इस मुद्दे पे चुनाव हो, इसलिए उसको जेल में डालना जरूरी है, इसलिए शराब घोटा। किसी का अगर कुछ बिगाड़ना है तो पहले उसकी इमेज बिगाड़ दो, और ये मोदी सरकार पहले उसकी इमेज बिगाड़ रही है, ठीक है, ताकि उसका राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो जाए, और एक आम आदमी कभी कोशिश भी ना करे कि वो किसी सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए देश में। पहली बात तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, इन्हें पीएम प्रोटोकॉल ही नहीं पता, तो मैं सीएम ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं कि इतनी गाड़ियों का इतनी गाड़ियों का वो चलते हैं? सुनो पहले पूरी बात भैया, पीएम प्रोटोकॉल ना सिर्फ भारत के पीएम के प्रोटोकॉल नहीं है, सीएम के, ठीक है, आप इंटरनेशनल लेवल पे जाओ, जाके देखो जो बाइडन का प्रोटोकॉल कितना तगड़ा है, जितना खर्चा उनके उसमें लगता है ना, उतना तो शायद इंडिया में लगता भी नहीं होगा हमारे मोदी जी के ऊपर, ठीक है। और दूसरी बात ये, अभी ये क्या बोल रहे थे कि जो उनका अगर कोई आम आदमी अच्छा काम कर रहा है तो ईडी और सीबीआई के उसमें दबाव में उनमें जेल में डाल दो। भाई अगर अच्छा काम कर रहा था, इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, तो इतने जो समन भेजे जा रहे थे उसमें पहले जवाब क्यों नहीं दिया गया? आखिरी समन में तुम इतने डर रहे हो, तुम पहली कोर्ट में पहुंच गए कि जी मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, मेरी बेल के लिए आप पहले एंटिसिपेटेड बेल ले लो। क्यों ले लो एंटिसिपेटेड बेल? अगर आपको डर नहीं था तो आप पहले खड़े होते, आप पहले जाते उस चीज में। जब मुकदमा, ये सारे के सारे एक मिनट आप सुनिए, ये पीएम के प्रोटोकॉल बता रहे लेकिन इन्हें सीएम का प्रोटोकॉल नहीं पता, ठीक, इन्हें पीएम आवास की जानकारी पता लेकिन सीएम आवास की जानकारी नहीं पता, ठीक, इन्हें पीएम की सुरक्षा पता लेकिन इन्हें सीएम की सुरक्षा नहीं पता। पीएम के मुकाबले सीएम के प्रोटोकॉल पे क्या खर्चा हुआ जी? ठीक, जरा कभी कैलकुलेशन और कंपैरिजन कर लेना, जब तुम्हें पता चल जाएगा कि पीएम पे पैसा कितना खर्च हो रहा है और देश के सीएम पे कितना खर्च हो रहा है, दिल्ली के सीएम पे, ठीक। और दूसरी बात, उस आदमी ने क्या पहना आज तक? एक सादा शर्ट, वो भी बाहर करके, ठीक है। और दूसरी बात, ठीक है, हाँ, तो कोट पैंट नहीं पहना उनने, ठीक है, 60 करोड़ घर में, ठीक है, 8 लाख का पर्दा, और हाँ, और हजारों, और सुनो, ठीक है, इनको तो दुख ऐसा होता जैसे इनके घर का पर्दा नोच के लगा लिया अपने यहाँ पर, दिक्कत इनकी नहीं है, ठीक है, 60 लाख का पर्दा, ठीक है, मेरे घर के पर्दों, अब सुनो, एक मिनट, ये बात कर रहे हैं, एक मिनट, ये पीएम की बात कर रहे थे,
इन्हें 10 लाख का सूट तो पता नहीं है मोदी का, किसी की शादी शर्ट पे सादा शर्ट कर रहे हैं। 10 लाख का सूट पूरी दुनिया ने देखा, ठीक है, गिनीज बुक में नाम आया लेकिन इनको पता नहीं है, ठीक है। लाखों का चश्मा है, दुनिया ने देखा, गिनीज बुक में नाम है लेकिन इनको पता नहीं है। लाखों का पेन है, ठीक है, ठीक है, कहाँ है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में, दिखाओ अभी, दिखाओ अभी, दिखाओ भाई अभी, ठीक है। और सुनो, अरे देखो ना, मैं क्यों दिखाऊंगा, मैंने बोल दिया तुम देखो, सर्च करो उसको, ठीक है। अरे यहाँ क्या तुम फालतू की चीजों को सर्च करेंगे ना, गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में आएगा भाई, सुन तो लो भाई की मेंटेलिटी क्या है, भाई को ये नहीं पता गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो रिकॉर्ड में आने के लिए, अरे यार जो सऊदी अरेबिया के इतने बड़े बड़े किंग है वो होते हैं, ठीक है, ब्रिटिश के अंबानी हो गए, सुन लो, किंग चार्ल्स हो गए, क्वीन विक्टोरिया हो गई, उनके तो आज तक सूट के नहीं कभी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आए कि कितने महंगे उन्होंने ज्वेलरी पहनी है, क्या कितने महंगे उन्होंने सूट पहने। इन्हें मोदी जी के सूट दिखे गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में, सुनो भैया दिखा दो ना, अगर इतनी बेचैनी हो रही है तो दिखा दो ना। फिर ये वो लोग है जो भोगना जानते हैं, इनको कोई फैक्ट और फिगर नहीं पता, इन्हें बस ये बताने हैं कि भाई 10 लाख का सूट पहन लिया, गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम है, तो भाई दिखाओ ना कहा है, मैं तो यही खड़ा हूँ, मैं अभी खड़ा हूँ, मैं अभी, ठीक है, अंधभक्तों को नहीं दिखता, ठीक है, पूरी पूरे भारत में देख लिया, पूरे भारत की मीडिया ने दिखा दिया, अगर दिखाओ ना, अरे दुनिया देख चुकी, जब पहना था जब भी देख लिया, ठीक है, अरे तो देख सर्च करना नहीं आता, तो मैं गूगल चलाना नहीं आता, गिनीज बुक रिकॉर्ड देखना नहीं आता, तो मैं क्या करूंगा इसमें, ठीक, तो तुम्हें गूगल चलाने नहीं आता तो इसमें मैं बताऊंगा तुम्हें, देख लो भैया, ठीक है। और दूसरी बात, ठीक है, मोदी जी को करें गरीब चाय वाला, बंदा जो बंदा पहले 30-35 साल से राजनीति में, 30-35 साल से राजनीति की हर एक चीज का सुख भोग रहा है, ठीक है, उस व्यक्ति को बता रहे हैं गरीब आदमी को रिप्रेजेंट ही नहीं करता, वो व्यक्ति किसी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करते नरेंद्र मोदी किसी भी देश के गरीब आदमी को। देश को गरीब आदमी को रिप्रेजेंट करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जैसी सोच होनी चाहिए कि मेरा एक कुर्ता फटा है तो मैं सिलवाऊंगा नहीं, ठीक, क्योंकि मेरे देश की जनता के पास पैसा नहीं है, ठीक है, मेरी देश की जनता भुखमरी में जी रही है, उन्होंने फटे कुर्ते में अपना शासन चला लिया, महात्मा गांधी होना पड़ता है, ठीक है। अब कहां महात्मा गांधी, कहां लाल बहादुर शास्त्री, तुम कंपैरिजन करो देश को रिप्रेजेंट करने की। अरे अरविंद केजरीवाल हो सकता है भ्रष्टाचारी हो, कम से कम उसने कोशिश तो करी देश के आम आदमी को रिप्रेजेंट करने की। मोदी जी कभी आम आदमी की शर्ट पैंट में भी घूम के देखे क्या, एक धोती कुर्ते में भी दिखे क्या, नॉर्मल गरीब के किसी कपड़े में भी दिखे क्या।